भक्त कहते किसको हैं, भक्तों के लक्षण क्या है। बहुत प्यारी बात, स्वयं पराम्बा भगवती पद्मावती देवी ही यह कह रही हैं कि भक्त का लक्षण क्या है, भक्त कहते किसको हैं। इतने बढ़िया श्लोक हैं ये भक्तों के लक्षणों के, बहुत भाव से श्रवण करने योग्य हैं और वस्तुतः कंठस्थ करने योग्य श्लोक हैं, इतने प्यारे श्लोक। पद्मालयो वाच, पद्मालया पद्मावती कह रही हैं, भक्तानां लक्षणं मातश्रुण गुह्यं समाहिता शंख चक्रांकिता नित्यं भुज युग्मे वसुंधरे। वाराह भगवान यह कथा पृथ्वी माता को सुना रहे हैं, इसलिए इस वसुंधरे संबोधन धरती माता को कर रहे हैं। भक्तों के लक्षण सुनो और धरणी माता अपनी माता को, पद्मावती अपनी माता धरणी माता को समझा रही है। जिनकी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह हैं, शंख चक्रांकिता नित्यम भुज में युग में वसुंधरे। नित्य ही जिनके भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह विराजमान हैं, ऊर्ध्वपुंड्रम सांतरालम तेषाम एव विशेषतः। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है, कैसा ऊर्ध्वपुंड्र? सांतराल। सांतराल जानते ना, बीच में जगह होनी चाहिए, एकदम सटाकर तिलक नहीं लगाना, सांतराल। जैसे मध्य में हमारे श्री विराजमान है, इधर उधर तिलक है, बीच में कुछ खाली जगह है कि नहीं, इसको कहते सांतराल। बहुत से लोग ऐसे सिंहासन रखा और पंचायती चंदन थोपा, बीच में श्री लगा लिया, इस प्रकार का तिलक लगाना शास्त्र निषिद्ध है। हमारे यहां तो शास्त्रों में यहां तक कहा है कि इस तरह का तिलक तस्य ललाटे शुनः पादो न संशयः, उसके मस्तक पर कुत्ते के पैर का चिन्ह है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अति निषिद्ध है पंचायती तिलक लगा के बीच में श्री लगा लेना या खाली चंदन थोप लेना, निषिद्ध नहीं, अति निषिद्ध है। विधिवत ऊर्ध्वपुंड्र ही करना चाहिए और सांतरालम बीच में अंतराल होना चाहिए। उत्तमोत्तम तिलक द्वादश अंगुल का है ऊर्ध्वपुंड्र, इतना विशाल। अब तो लोगों के मस्तक ही कम विशाल हैं, इतना विशाल, अब हमारा तो जितना है उतना तो हम लगा लेते हैं, इससे बड़ा होता तो इससे बड़ा लगा लेते, पर जितना है उतनी जगह तो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। द्वादश अंगुल का ऊर्ध्वपुंड्र उत्तमोत्तम माना गया है, आठ अंगुल का द्वादश अंगुल, ये चार चार बारह, यहां से लेके यहां तक, यहां भ्रू से यहां तक, इस भ्रू तक केश पर्यंत द्वादश अंगुल माना जाता है उत्तम उत्तम। मध्यम आठ अंगुल का और तृतीय श्रेणी का, अधम तो नहीं कहेंगे, तृतीय श्रेणी का है चार अंगुल का। और जो लोग बेचारे कैसे भी पतला भी तिलक लगाते लगाते, वो भी ठीक ही है, अच्छा ही है, उनको कोई निषेध नहीं है, लेकिन चार अंगुल का तो कम से कम तिलक होना ही चाहिए। जमुना जी के पल्ली पार खड़ा हुए महात्मा वैष्णव
और इस पार से कोई खड़ा हो तो दिख जाए कि हाँ तिलक लगाया, ऐसा तिलक होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसा सुंदर तिलक हो जिसमें मध्य में अंतराल हो, और एक तिलक नहीं द्वादश तिलक हो। द्वादश कहाँ कहाँ? ललाटो दरहृत कंठे जठरे पार्श्वयोरपि पूर्वपरयोर भुजद्वंदे पृष्ठे च गल पृष्ठ के। ये द्वादश स्थान हो गए, ललाट में, कंठ में, उदर में, पार्श्व में, भुजाओं के मूल में, इन भुजाओं में, और एक मेरुदंड के इधर, एक यहाँ कर्पूर में, इधर ग्रीवा में। इस तरह से द्वादश तिलक का विधान वेंकटाचल महात्म्य में श्री पद्मावती, जो भगवान श्रीनिवास की पट्ट महिषी हैं, जिनका विवाह अभी होने वाला है, वे बता रही हैं। मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा का क्या पुण्य है? भगवान का मंदिर कोई बनावे और मूर्ति की प्रतिष्ठा करे तो उसका क्या पुण्य है? तो महाराज जी लिखा है, दशपूर्वान दशापरान एक विंशत पुरुषान उद्धर्तु कामहा प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। 21 पीढ़ी का उद्धार प्रतिष्ठा करने से हो जाता है। मंदिर बनावे और प्रतिष्ठा करे, और सुन लो ध्यान से, मंदिर बनावे प्रतिष्ठा करावे और राग भोग की व्यवस्था न करे तो मंदिर की स्थापना में जितना पुण्य है उससे सैकड़ों गुना अधिक अपराध लगता है। इसलिए भगवान का मंदिर बना करके प्रतिष्ठा करके उनके राग भोग की उत्तमोत्तम व्यवस्था करें। अब और सुन लीजिए ध्यान से, मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके विधिवत पूजा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य फल केवल ऊर्ध्वपुंड एक पुंड धारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता वैष्णव को। और द्वादश तिलक, त्रिकाल स्नान करे और त्रिकाल द्वादश तिलक लगावे तो एक दिन में कितने मंदिर कितनी प्रतिष्ठा हो गई। इसलिए भगवत शरणागत वैष्णव चिन्हों से अलंकृत वैष्णव का खाता चित्रगुप्त जी फाड़ के फेंक देते हैं। बोले कहाँ तक इसका लिखा जाएगा, इतना पुण्य लिखने की कलम में ताकत नहीं है। वैष्णव का पुण्य अक्षय होता है। तिलक की बड़ी भारी महिमा है। ऊर्ध्वम नयत्यत पुण्ड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मा तद्धारे द्विजः। पापी से पापी मनुष्य को ऊर्ध्व लोकों में ले जाए उसको ऊर्ध्वपुण्ड्र कहते हैं। ऊर्ध्वपुण्ड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोऽपि विमानस्थो ममलोके महीयते। ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करने वाला कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए वह कुत्ते को पकाकर खाने वाली चांडाल योनि में भी पैदा क्यों न हुआ हो उसके मस्तक पर भी मरते समय यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक है तो वह मेरे विमान में बैठ करके दिव्य विमान में बैठकर मेरे धाम में जाएगा। यह बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। बड़ी भारी महिमा है ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करने की। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि ऊर्ध्वपुण्ड्र की ही महिमा है बाकी सब तिलक मनमुखी, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्वपुण्ड्र और त्रिपुण्ड्र ये दो ही तिलक हैं। वैष्णवों के सभी तिलक ऊर्ध्वपुण्ड्र हैं, ऊपर की ओर उनकी रेखाएं हैं, और स्मार्त पक्ष में ये त्रिपुण्ड्र है। त्रिपुण्ड्र की भी पुराणों में खूब महिमा है, ऊर्ध्वपुण्ड्र की भी महिमा है। त्रिपुण्ड्र में भी, त्रिपुण्ड्र क्यों कहते हैं? पुण्ड्र माने होता उंगली, पुण्ड्र माने उंगली संस्कृत में। त्रिभिः पुण्ड्रैः धार्यते इति त्रिपुण्ड्रः, तीन उंगलियों से त्रिभिः पुण्ड्रैः। तो तीन उंगलियों से करोगे अंगुष्ठ से, फिर रेखा ठीक से बनाओगे तो वो
दो रेखाएं न होकर तीन रेखाएं होंगी तो चार खन होंगे, तीन खन होंगे रेखाएं चार होंगी। जैसे हमारे स्वामी जी लगा करके मस्तक पर तिलक विराज हैं, ये है त्रिपुंड। इस त्रिपुंड में आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्व रेखा सदा शिवः, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजः। तो त्रिपुंड की भी महिमा है, पर यहां वैष्णव भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए माता पद्मावती ऊर्ध्वपुंड की महिमा का विशेष वर्णन कर रही है। द्वादश नामों से द्वादश अंगों में तिलक धारण करना चाहिए। वैष्णवों के नियम क्या हैं? वेद पारायण रता कर्म कुर्वन्ति वैदिकम्। वेद पारायण रत हैं, वैदिक कर्म करते हैं। यदि वे द्विजाति हैं तो वेद पारायण करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं। द्विजाति नहीं है तो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नामों का जप करते हैं। सत्यम वदन्ति ये देवी ना सूयन्ति परान क्वचित। वैष्णव के लक्षण हैं, वैष्णव होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सदा सत्य बोलते हैं, कभी किसी के गुणों में दोष नहीं देखते हैं। असूया दोष वैष्णवों में नहीं होता, वे गुणदर्शी होते हैं, दोषदर्शी नहीं होते हैं, दूसरों के दोष नहीं देखते हैं। पर निंदाम न कुर्वन्ति परस्वम न हरन्ति च। कभी पर निंदा नहीं करते हैं, कभी पर धन का हरण नहीं करते हैं। न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन परदारान स्वरूपांश्च ये च तान विद्धि वैष्णवान। परस्त्री और परधन को न देखते हैं न कभी छूते हैं, ये वैष्णव का लक्षण है। सर्वभूत दयावंतः, सभी प्राणियों पर दया करते हैं। सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों का परम हित करते हैं। और क्या करते हैं वैष्णवों के लक्षणों में? सदा गायन्ति देवेशम एतान भक्तान अवेहि वै। और सदा भगवान के नाम रूप गुणों को ताल स्वर बद्ध होकर गाते रहते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। इसका मतलब है सुंदर राग रागनी में ताल स्वर से भगवान के चरित्र को गाना, ये भी वैष्णव का एक लक्षण है। यदि वे वैष्णव गृहस्थ हैं तो वे एक पत्नी व्रत होते हैं, अपनी पत्नी में भी संतुष्ट रहते हैं। यदि वे विरक्त हैं तो कंचन और कामनी के आकर्षण से शून्य होते हैं। वीतराग भय क्रोधान, वीतराग होते हैं, भय और क्रोध से शून्य होते हैं, ऐसे जीवों को तुम वैष्णव मानो माता। भगवान के पांच आयुधों को अपने अंग में तप्त मुद्रा के रूप में धारण करते हैं। किसके द्वारा? बोले अपने पिता से भी मंत्र ले सकते हैं और आचार्य से भी मंत्र ले सकते हैं, दोनों बातें यहां लिखी हैं। पिता वैष्णव है तो भी गुरु है, उनसे दीक्षा ली जा सकती है, आचार्य से भी दीक्षा ली जा सकती है, अथवा शिष्टेन नान्येन वा पुनः, अथवा किसी भी महापुरुष से जिसके प्रति अगाध श्रद्धा हो, गुरुता के भाव का जीवन पर्यंत निर्वाह हो सके, उनसे विधिवत वैष्णवीय संस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले अग्नि की स्थापना करें और प्रतिष्ठित भगवान के आयुधों को, आयुधों का पूजन करके, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से आहुति दे करके, फिर अष्टोत्तर शत मूल मंत्र से आहुति दे करके,
भगवान के दिव्य आयुधों को तपावे और तपाने के बाद फिर गुरु जी के करकमल से मंत्रों के उच्चारण सहित मुद्राओं को धारण करे। कौन कौन मुद्राएं कहाँ कहाँ धारण करे? भुजद्वये शंख चक्रे, दोनों भुजाओं में, दाहिनी भुजा में चक्र और बाईं भुजा में शंख। मूर्धनि शांग शार्ग शरौ तथा यहां धनुष और बाण यहां शिरोभाग में, ललाट में गदा और हृदय में नंदक नाम का खड्ग। ये पांच आयुध तपा करके इन पांच अंगों में धारण करने की विधि है। एवं धार्याणि पंचैव विष्णु भक्तैर मुमुक्षुभिः। जो विष्णु भक्त हैं, मुमुक्षु हैं, संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, उनको पांचों आयुधों को अवश्य ही प्रतप्त करके धारण करना चाहिए। सुविधा भी दे दी है, मान लो पांच धारण न कर सके तो दो तो अवश्य धारण करे। अथवा भुजयोश चक्र शंखौ चैव सुलक्षणौ, अथवा केवल शंख चक्र धारण करे, धनुर्वाण धारण करे। भगवत कृपा से इस दास ने शंख चक्र भी धारण किया है और धनुर्वाण भी धारण किया है। उन्हीं को वैष्णव कहते हैं। कागज भले ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने हाथ से लिखें, पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यालय की मुहर उस पर न लगी हो तो वो कागज कीमती नहीं होता। ये भगवान के आयुध की छाप, ये मुहर है, मुहर लग गई पक्का हो गया। एवं लांछन युक्ता ये भक्तास्ते वैष्णवा स्मृता। बहुत से महापुरुष तप्त छाप धारण नहीं करते हैं, वे शीतल चंदन की छाप भी धारण करते हैं, और बहुत से महापुरुष केवल भगवान नाम की छाप धारण कर लेते हैं। तो जिनके पूज्य गुरुदेव ने जैसा उन्हें उपदेश किया हो वैसा ही उन्हें करना चाहिए। हे माता, वे वैष्णव केवल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की भावना रखते हैं और लौकिक पारलौकिक भोगों की किंचित स्पृहा उनके चित्त में नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुने, ये लक्षण वाले वैष्णव उनका भाव कैसा होता है? वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा चाहते और कुछ नहीं चाहते। विष्णुर मातर विष्णुर विनान्येषु वांछा का चिन्ह जायते। भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई इच्छा उनमें पैदा ही नहीं होती है। अब अपने अपने भीतर टटोल के देख लो, भगवान की प्राप्ति के अलावा और इच्छाएं हैं तो अभी हम ईमानदारी से भगवत भक्त नहीं बन पाए हैं, वैष्णव नहीं बन पाए हैं। सारी इच्छाओं को निर्मूल करके भगवान की प्राप्ति की योग्यता को धारण करना है।